अलीशान फैमिली ढाबा फेमस है अपने लजीज पकवान और वैरायटी ऑफ फूड के लिए, जैसे स्पेशल मटन हंडी, पेशावरी ग्रेवी, वाइट कस्तूरी, ज़ाफ़रान कबाब, अजवाइन कबाब और जामुनी कबाब के साथ स्पेशल अलीशान खब्सा, फैमिली रूम दस्तरखान, इवेंट एंड फंक्शन एंड बर्थडे सेलिब्रेशन विथ नाइस एम्बियंस, फ्री होम डिलीवरी, इजी कनेक्टिविटी के साथ बाईपास कालशेखर के सामने, अफोर्डेबल प्राइसिंग, वाइड स्पेस ताकि आप अपनी पूरी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकें। स्वाद का किंग अलीशान फैमिली ढाबा। महेश दामोदर खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। स्पेन की रहने वाली एक महिला के साथ सामूहिक बलात्कार की घटना ने सबको शर्मसार कर दिया है। दुनिया घूमने अपने पति के साथ बाइक पर स्पेन की रहने वाली एक दंपति ने कभी ये नहीं सोचा था कि उनके साथ भारत में कुछ इस तरह की दरिंदगी हो जाएगी। हालांकि पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 4 आरोपी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। शर्मसार कर देने वाली ये घटना झारखंड के दुमका में हुई है। स्पेन की रहने वाली ये महिला 1 मार्च को बाइक से कोलकाता से नेपाल जाने के लिए अपने पति के साथ निकली थी, मगर झारखंड के दुमका में पहुंचते ही यहां पर जब अंधेरा होने लगा तो इन्होंने यहां पर रुकने का फैसला ले लिया। दोनों ने सड़क से काफी दूर पर टेंट लगाया और उसी में रुक गए। पीड़िता ने शिकायत में लिखाया है कि टेंट के बाहर 2 लोग आए और फोन पर बात करने लगे। थोड़ी देर बाद वहां पर कुछ लोग और आए और पीड़िता के अनुसार ये कुल 7 लोग थे। इन लोगों ने पहले स्पेन की रहने वाली इस महिला के पति से झगड़ा किया, मारपीट की और उसके बाद ये सभी 7 लोगों ने स्पेन की महिला के साथ दरिंदगी की, स्पेन की महिला के साथ बलात्कार किया। यही नहीं, इन दरिंदों ने पीड़िता से $300 और ₹11,000 सहित एक डायमंड की रिंग भी लूट लिया है। हालांकि इस पूरे घटना की जानकारी स्पेन की महिला ने अपने दोस्तों को दी और सोशल मीडिया में भी स्पेन के इस दंपत्ति ने आपबीती सुनाई। पुलिस ने 3 दरिंदों को गिरफ्तार जरूर कर लिया है, जबकि 4 अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। मगर भले ही आरोपी गिरफ्तार हो और उन्हें सजा मिल जाए, लेकिन क्या इस स्पेन की महिला और उसके पति का जख्म क्या जिंदगी में भर पाएगा? वहीं महिला आयोग ने भी इस मामले में संज्ञान लेते हुए झारखंड के कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं और महिला आयोग ने इस पूरी घटना पर विस्तृत रिपोर्ट भी मांगी है। Siete tíos, hijos de puta. Pues bueno, ya nos encontraremos más. Vamos a ver qué tal. Estamos con la policía. Pues a veces hemos ido al hospital. Allí. Aquí en India. Hemos dormido en un hospital allí, nos han dejado dormir allí. Hemos metido la moto dentro del hospital y ahora nos han traído a unos 60, 70 kilómetros a otra ciudad, a un hospital para hacer las pruebas de ADN. Y todo. Reventada boca. Dios, estamos en el hospital. Dios.